I will take an example, and through that example, I will tell you each method. So, there is another example. This all the question. What is the question? Try to understand. Calculate the value of goodwill under various methods. Jitne sare methods hai, we will study them one by one using following information. So we have to calculate goodwill under various methods. They have given us years and the profits. 2010 mein 1,30,000 profit tha, 2011 mein 1,45,000, 2012 mein 1,40,000, 2013 mein 1,35,000. 2014 में 1,60,000 एंड 2015 में 1,50,000. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2009 गिवन अस एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2009, एक्चुअली अगर आप देखते हो ईयर 2009, ठीक है, मतलब हमें 2010 के आगे के प्रॉफिट्स दिए, 10 एंड ऑनवर्ड्स, 2009 प्रीवियस का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो 2009 में जो क्लोजिंग स्टॉक था, राइट, वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5,000. Try to understand, closing stock was undervalued. अगर closing stock undervalued होता है, इसका मतलब profit पे क्या impact हुआ होगा, right? Closing stock trading के credit में रहता है. Closing stock trading के credit में रहता है. Try to understand. So समझने के लिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खाली एक समझने के लिए या आपको याद रखने के लिए. अगर क्लोजिंग, राइट, मैं क्लोजिंग स्टॉक को इनकम आइटम बोलता हूँ एंड ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस आइटम बोलता हूँ, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसको ट्रेडिंग के डेबिट पे डालते हैं. सो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे है एंड इट इज अंडर वैल्यूड. सो लास्ट ईयर में 2009 में जो क्लोजिंग स्टॉक था क्रेडिट पे, वो कम हुआ था. सो टू दैट एक्सटेंड माई जीपी विल बी लेस. समझ में आ रहा है, जीपी लेस होगा तो एनपी भी लेस होगा. सो अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो टू दैट एक्सटेंड नेट प्रॉफिट कम होता है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, राइट, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है, अंडर वैल्यू होता है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट रहेगा एंड नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट रहेगा. इफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है, करंट ईयर प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स आर अंडरस्टेटेड, वो कम हुए होंगे टू दैट एक्सटेंड. समझ में आ रहा है, दे हैव बीन अंडरस्टेटेड. एंड यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. तो वो नेक्स्ट ईयर में हम उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक हैज बीन अंडरवैल्यूड. ओपनिंग स्टॉक अगर कम हुआ है, जो मैं एक्सपेंस का आइटम बोल रहा हूँ, अगर एक्सपेंस का आइटम कम हुआ है, राइट, समझने के लिए मैं एक्सपेंस का आइटम बोल रहा हूँ, अगर वो कम हुआ है तो टू दैट एक्सटेंड ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा एंड टू दैट एक्सटेंड नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा. सो क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट करता है, तब हम बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स आर, राइट, ओवरस्टेटेड. अगर क्लोजिंग स्टॉक, जिसको मैं इनकम का आइटम बोलता हूं, अगर वो कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा. एंड ओपनिंग स्टॉक को मैं एक्सपेंस का आइटम बोलता हूँ, वो समझने के लिए एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह देखो, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस की तरह देखो. अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो उस ईयर का प्रॉफिट कम हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट उतना ज्यादा हुआ होगा. ओवरऑल इट इज अ जीरो सम गेम. दोनों ईयर साथ में देखते हो ना तो प्रॉफिट पे, वैसे टुगेदर प्रॉफिट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. अगर वही क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ होगा तो क्या होगा. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम का आइटम समझने के लिए, इनकम का आइटम ज्यादा हुआ है तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा इस ईयर का, ज्यादा. सो नेट ईयर प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड टू दैट एक्सटेंट. करंट ईयर प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड. यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जो एक्सपेंस का आइटम मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर में जीपी एंड एनपी दोनों क्या हुए होंगे, राइट, कम हुए होंगे. सो आई विल से नेक्स्ट ईयर में एनपी, राइट, नेट प्रॉफिट्स आर, राइट, अंडरस्टेटेड. नेट प्रॉफिट्स आर अंडरस्टेटेड. सो दिस इज द इंपैक्ट.
of closing stock in the current year profit and the next year profit. क्या बोला मैंने? Closing stock का impact current year में रहेगा और next year में रहेगा. Opening stock का impact इस year में रहेगा और previous year में रहेगा. This is very interesting. Closing stock को हम क्या बोलते हैं? Closing stock को मैं income की तरह देखता हूँ और opening stock को मैं expense की तरह देखता हूँ answer लाने के लिए. समझ में आ रहा? Actually they are the assets. हम उसको matching concept के हिसाब से close कर देते हैं. Try to understand. Right? Cost of goods sold करने के लिए हम वो लेते हैं. So वो मैं अभी बात नहीं कर रहा. मैं बोल रहा हूँ मुझे उसको rectify करना है. तो मैंने थोड़ा simple तरीके से बोला. Closing stock को हम income की तरह देखेंगे. Opening stock को expense की तरह देखेंगे. अगर closing stock ज़्यादा हुआ होगा, मतलब income ज़्यादा हुई होगी, तो profit ज़्यादा हुआ होगा. मतलब हमारा profit to that extent ज़्यादा है, तो हमें उसको minus करना होगा. अगर वही closing stock understate हुआ होगा, कम हुआ होगा, वो undervalued हुआ होगा, to that extent income कम है, to that extent net profit कम है, तो हम net profit को add करेंगे. So, right, closing stock, right, इस ईयर के प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा. सो अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 2009 में, राइट, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड. 9 में क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था. अब हमें 9 के प्रॉफिट्स को तो हाथ नहीं लगाना है, हमें 2010 के आगे के प्रॉफिट्स दिए, 10 एंड ऑनवर्ड्स. सो 2010 में वो प्रॉफिट, वो क्लोजिंग स्टॉक, 2009 का क्लोजिंग स्टॉक 2010 में क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक रहेगा. सो कैन आई से ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2010, मैं इसको क्या बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 19 को आई विल से ओपनिंग स्टॉक ऑफ, राइट, 2010, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2010, राइट, वाज अंडरवैल्यूड. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था, तो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम हुआ होगा. ओपनिंग स्टॉक कम था, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस कम था, मतलब प्रॉफिट क्या था, ज्यादा हुआ था. तो हम इसको, अब प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, अब प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम था, तो लास्ट ईयर में, राइट, इनकम कम थी, राइट, इसलिए लास्ट ईयर में प्रॉफिट कम था. तो 2009 में हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना होगा, एंड 2010 में वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बोल के आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेट है, एक्सपेंस कम है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, हमें उसको रेक्टिफाई करना है. तो हम उसको, दैट इज, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे. नेक्स्ट, आगे आगे लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2010, राइट, वाज ओवरवैल्यूड बाय 5000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2010 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यू है. क्लोजिंग स्टॉक इनकम का आइटम, ओवरवैल्यू हुआ है, मतलब इनकम ज्यादा हुए तो प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ होगा. सो 2010 में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो हम उसको माइनस करेंगे. 2010 में हम प्रॉफिट कम करेंगे, एंड वही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2011 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तब हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवरवैल्यूड इन 2011. सो वहां पे ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का आइटम ज्यादा हुआ है, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हमें उस ईयर का प्रॉफिट रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको एड करेंगे, उल्टा होगा. ठीक है. देन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 20,000 परचेस्ड इन द 2010, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ईयर जो हमें प्रॉफिट दिए. फर्नीचर 20,000, मतलब फिक्स असेट की बात कर रहे हैं, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. हाँ, क्या गलती हो गई, 20,000 की असेट उन्होंने रिपेयर अकाउंट में ले लिया. इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, इट हैज बीन डेबिटेड टू, राइट, रिपेयर अकाउंट. रिपेयर किस में गया होगा, पीएनएल में गया होगा. मतलब 20,000 का 20,000 किस में गया, एक्सपेंस में गया. एक्चुअली 20,000 एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए था, वो असेट में जाके उसका 20,000 का जो डेप्रिसिएशन रहेगा ईयर ऑन ईयर, वो कहाँ पे जाना चाहिए था, पीएनएल में जाना चाहिए था. बट इसमें क्या हो गया, एक ही साल में पूरा का पूरा पीएनएल में गया. एक्चुअली वो धीरे 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 पीएनएल में जाना चाहिए था, लिखा होगा, राइट. एंड इट इज द पॉलिसी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन एसएलएम. तो क्या गलती हो गई, वो 20,000 असेट में जाना चाहिए था 2010 में, फिर 2010 के पीएनएल में 20,000 का 10% 2000 आता, 2011 में 2000 आता, राइट, 12 में 2000, 13 में 2000, अप टू 15, जो जहां तक हमें प्रॉफिट दिए, हमें 2015 के एंड में गुडविल कैलकुलेट करना है. तो एवरी ईयर पीएनएल में क्या बोल के आना चाहिए था, वो 20,000 धीरे धीरे डेप्रिसिएशन बोल के आना चाहिए था. तो फर्स्ट ईयर में 10, 11, 12, 13, 14, ये पांचों ईयर में पीएनएल में कितना आना चाहिए था, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 आना चाहिए था. बट क्या हुआ है, पूरा का पूरा 20,000 किस में आया, पूरा का पूरा 20,000 एक ही ईयर में 2010 में ही एक्सपेंस बोल के आ गया. तो 2010 में वो 20 एक्सपेंस बोल के आया है, तो हमें, राइट,
उसको हटाना होगा, वहां पे हम 20,000 ऐड करेंगे राइट, एंड एवरी ईयर हम 2,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे. व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स करना और जो होना चाहिए उसको इनकॉर्पोरेट करने को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन. सो 20,000 एक्सपेंस में नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था तो एक्सपेंस से हटाओ, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करो. एंड डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, सो एक्सपेंस वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था, तो हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपीज माइनस करेंगे 10% ऑफ 20,000. अगर वो WDV होता तो एवरी ईयर 2,000 नहीं आता, तो फर्स्ट ईयर में 2,000 आता राइट, फिर 20 - 2,000 18,000 का 10% 1,800 आता, दैट विल हैव डिक्रीज. इट डिपेंड्स ऑन द मेथड. यहाँ पे SLM लिखा है तो एवरी ईयर 2,000 एक्सपेंस बोल के माइनस होगा. इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर सेविंग्स विल बी रुपीज 15,000. उन्होंने क्या लिखा है, फ्यूचर सेविंग्स विल बी 15,000 एंड लॉसेस टू द ट्यून ऑफ रुपीज 10,000. दे हैव सेड फ्यूचर में 15,000 का सेविंग्स होगा, तो टू दैट एक्सटेंट फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, सो वी विल एड 15,000 इन आर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एंड लॉस होगा 10,000 का, तो हम वो 10,000 फ्यूचर लॉसेस माइनस करेंगे टू फाइंड आउट FMP. एंड राइट, इफ ओनर हैड नॉट डन द बिजनेस वुड हैव अर्न्ड रुपीज 30,833 पर एनम. अगर वो बिजनेस नहीं किया होता तो उसको इतना मिलता. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो हम FMP के लिए ये 30,833 माइनस करेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन फिर से डिस्कस करता हूँ. 2009 का क्लोजिंग स्टॉक जो 2010 में ओपनिंग स्टॉक हो रहा है वो अंडर वैल्यू हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है. समझ में आ रहा है, एक्सपेंस का आइटम कम हुआ है, मतलब उस ईयर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा तो हम उस ईयर के प्रॉफिट से उतना 5,000 माइनस करेंगे. 2010 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ है, सो 2010 में क्लोजिंग स्टॉक इनकम का आइटम ज्यादा हुआ है तो वहां पे नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, हम माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में उतना ऐड करेंगे. एक एसेट हमने एक्सपेंस माना था. सो थर्ड एडजस्टमेंट में क्या हुआ था, हमने असेट को एक्सपेंस माना था, तो एक्सपेंस 2010 में ज्यादा हुए थे तो उसके वजह से उतना प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम प्रॉफिट में 20,000 ऐड करेंगे और वो असेट जब बन जाएंगे तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन नहीं गया था, टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट ज्यादा था, तो हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम करेंगे. ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्यूचर सेविंग्स विल बी 15,000 वो ऐड किए जाएंगे एंड फ्यूचर लॉसेस 10,000 माइनस किए जाएंगे एंड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 30,833 की वो भी हम माइनस करेंगे एंड देन जो हमें FMP मिलेगी दैट FMP विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट गुडविल अंडर वेरियस मेथड्स. मैंने पहले ही आपको समझाया था विच आर द वेरियस मेथड्स राइट, दीज आर द मेथड्स. हम एक एक मेथड करेंगे. पहले तो ये पता होना चाहिए अगर हमें गुडविल ढूंढना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, FMP होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट FMP. लेट्स फाइंड आउट द FMP. लेट्स स्टार्ट विद द FMP. ये हमारा क्वेश्चन था राइट, हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढते हैं. सो FMP स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ FMP. कैलकुलेशन ऑफ FMP. FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. ठीक है, सो उन्होंने जो हमें प्रॉफिट्स दिए हम मैं वो कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली राइट. दे आर गिवन एज प्रॉफिट्स ऑफ 6 years शायद से. FMP निकालना है. सो जो हमें P&L में प्रॉफिट दिए हैं हम उनमें अगर एबनॉर्मल आइटम से हटाएंगे, उनमें कोई एरर्स को रेक्टिफाई करना है वो एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर फ्यूचर सेविंग्स फ्यूचर लॉसेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करके हम FMP निकालेंगे विच विल बी यूज्ड इन द गुडविल कैलकुलेशन. सो क्या क्या लिखा है, वो 2009 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस और माइनस डिपेंड्स, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ राइट. एडजस्टमेंट इन द स्टॉक्स, एडजस्टमेंट इन स्टॉक 2009 के प्रॉफिट्स तो हमें पता नहीं, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा 2010 के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट हुआ होगा. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10 अंडर वैल्यू हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक को मैं एक्सपेंस मानता हूँ, वो कम हुआ है तो प्रॉफिट एक्सपेंस कम हुआ होगा मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा तो हम उसका प्रॉफिट को कम कर देंगे. नेक्स्ट
एडजस्टमेंट टू में लिखा है 2010 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को हम मैं इनकम की तरह देखता हूँ, इनकम ज्यादा हुई थी मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, तो प्रॉफिट हटाएंगे। 2010 में प्रॉफिट कम होगा एंड 2011 में प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा, बिकॉज उस ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मैं इसको एक्सपेंस की तरह देखता हूँ, एक्सपेंस ज्यादा हुआ होगा मतलब प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट में वो उसको ऐड करेंगे। 20,000 का फर्नीचर को हमने एक्सपेंस माना था, अब यहाँ पे लिखूंगा राइट, दिस इज प्लस और माइनस डिपेंड्स, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन राइट, प्लस राइट, रेक्टिफिकेशन ऑफ असेट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ असेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। हमने असेट को एक्सपेंस माना था 20,000 का इन 2010, तो 2010 का प्रॉफिट 20,000 से कम हुआ था, सो हम अब उस प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे 20,000। एंड फिर हमने इससे क्या किया, उसको एक्सपेंस से हटा के असेट में लेके गए, और फिर उसका डेप्रिसिएशन जो आना चाहिए था वो नहीं आया था, अब उसको डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन राइट। सो फर्स्ट ईयर में 2,000 डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 2,000, लाइक दैट आई विल डिडक्ट 2,000 2,000 2,000। एवरी ईयर 2,000, सो राइट, सो हो गए। अब आई विल गेट मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ढूंढना होगा ठीक, ध्यान देना। सो 1,30,000 प्लस 20,000, 1,50,000 माइनस 1,48,000, 3,000 ऐड होगा 1,48,000, 1,38,000, 1,33,000, 1,58,000, 1,48,000, बराबर है क्या? 1,30,000 ऐड हुआ, ओ सॉरी फर्स्ट केस में मुझे लगा वो 5,000 प्लस है, सो माइनस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 2,000, सो इट इज 1,38,000, दिस इज 1,38,000। मुझे लगा वो प्लस है तो 5,5 मैंने कैंसिल किया था, एक्चुअली वो दोनों माइनस है। यहाँ पे 3,000 ऐड हुआ, यहाँ पे 2,000 माइनस हुआ, 2,000 माइनस हुआ, 2,000 माइनस हुआ, 2,000, यस। नाउ कैलकुलेट एवरेज, 1,30,000 प्लस 1,48,000, ओके, प्लस अगेन 1,38,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,58,000 प्लस 1,48,000 डिवाइडेड बाय 8,63,000 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 6, वाई 6, बिकॉज वी हैव टेकन, मैं सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ फॉर 6 इयर्स, सो दैट विल बी राइट 8,63,000 डिवाइडेड बाय 6 कम्स टू रुपीज 1,43,833। इफ देयर आर एनी फ्यूचर सेविंग्स and future losses, we will now consider them. They have given us in the adjustment number 4 that there are future savings of rupees 15,000 and future losses of rupees 10,000. So whatever right average maintainable profit that we have received, we have to bring them right to the future, means we will factor in the future savings and future losses. So I will add future savings, so add future savings, rupees right 15,000. To that extent, in the future years we will be earning profit more than right the previous year's profit. 15,000 se hamara profit jyada rahega because of savings in the future, less future losses. As compared to past profit,
right, future में because of right some losses, right, हमें लगता है कि हमारा profit 10,000 से कम रहेगा. So as goodwill is a futuristic concept, right, I am like finding out the future, right, profits applicable to future, you can say, or profits which are maintainable in the future. And if there is any opportunity cost involved, right, of doing the business, I will also factor in that opportunity cost, less opportunity cost of doing business, opportunity cost ko hum minus karenge. The opportunity cost of doing business was 30,833. 30,833 will be deducted. Therefore, you will get future maintainable profits. Future maintainable profits. So it's 1,43,833 plus 15,000 minus 10,000 minus 30,833. So future maintainable profits comes to 1,18,000. So these future maintainable profits will be used to find out goodwill under various methods. I will underline this thing again. Whenever we have to calculate goodwill, we must consider future maintainable profits. Sir, what if in some questions they have directly given us profits without such adjustments? Adjustments like abnormal items, right? Then your rectifications, future savings and future losses, opportunity cost. In such a case, we will assume that whatever profits given in the question are itself future maintainable profits, and those profits will be used for the purpose of calculation of goodwill. So, right, future maintainable profits is 1,18,000. How to find out future maintainable profits? Take the profits as given in the right question, or right, take the profits from the profit and loss account. Remove all abnormalities from those profits. Abnormal expenses ko, abnormal losses ko hum add karenge, abnormal gains ko hum minus karenge, right? Rectification ki wajah se, right, profits galat hue honge, to jab hum rectify karenge unko, some rectifications will increase the profit, hum unko add karenge, some rectifications will decrease your profits, hum unko minus karenge, right? And then we will find out the average, and we will consider future gains and future losses. Now this FMP will be used for the purpose of calculation of goodwill. Now we will deal with various methods of calculation of goodwill. Sabse pehle hame kya chahiye hota hai? FMP chahiye hota hai, future maintainable profits. Once we have FMP, now we can use this FMP to find out goodwill. Now valuation of goodwill ka alag alag methods dekhenge. First method is average profit method. Average profit method of calculation of goodwill. Try to understand, this average profit can be a simple profit or can be a weighted average profit. The profits that we have received, right, or we have arrived at, jo bhi hamare paas jo profits available hai, if there is a specific trend in them, like the profits are in increasing trend or if profits are in decreasing trend, right, specific trend hona chahiye. Dekho, yahan pe jab hum average nikal rahe the, you can find there is no specific trend. Kisi year mein profits increase ho rahe, kisi year mein wo decrease ho rahe. Samajh mein aa raha hai, like 1,38,000 se 1,48,000 hue, fir wo decrease ho gaye 1,38,000, fir decrease ho gaye, fir increase ho gaye, fir decrease ho gaye. There is no specific pattern, there is no specific trend. Jab specific trend nahi hota hai, to we will be using simple average profit. But agar if there is a specific trend, agar ya to profits increasing trend mein hai ya profits decreasing trend mein hai, to hum weighted average profit nikalenge. Jab hum weights assign karte hai, tab जो अर्लियर ईयर्स होते हैं उसको हम लेसर वेट असाइन करते हैं, एंड जो रिसेंट ईयर होता है, राइट, उसको हम हायर वेट असाइन करते हैं. बिकॉज अर्लियर ईयर्स का रिलेवेंस लेस होता है, इसलिए उनको लेस वेट असाइन किया जाता है. एंड जो रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, राइट, रिसेंट ईयर्स का रिलेवेंस ज्यादा होता है, राइट, इसलिए उनको ज्यादा वेट असाइन करते हैं. सो दैट इज अ वे वी फाइंड आउट व्हाट आर
right? Weighted average profits. Now in this question हमें simple average profit ही निकालना है because there is no specific trend. हमने simple average ही निकाला है and I will be finding the goodwill using simple average profit method only. What is the formula to calculate goodwill, right? Under simple average profit method, goodwill is equal to goodwill under simple average profit is equal to, right? Average profits I mean FMP, right? Multiply by number of years of purchase, number of years of purchase. Purchases. What do you mean by number of years of purchases? Try to understand. Number of years of purchases means, right, the number of years these average profits, these FMP will be continued in the future. Like we are earning, like, or we are supposed to earn 1,18,000 in the future. Kitne saal hum kamayenge? 1 year, 2 years, 3 years, 10 years down the line. Samajh mein aa raha hai? So the number of years, right, over which we are expecting these profits to be maintainable or to be like we will be earning, that number of years is number of years purchase. To be very frank, number of years purchase is actually the future years, right? Wo future ke baare mein baat kar raha hai ki goodwill is not what you are, right? Hum past mein profit kama rahe the, wo nahi hai. Goodwill wo hai ki jo hame future mein profit kama ke dega. So I am talking about future years. So number of years purchase ko main fir se bol raha hu. Number of years purchase ka ek view hai dekhne ka ki ye jo profits hai, jo example hamare example mein 1,18,000 the, wo hum kitne saal aage kamayenge, kitne saal hum unko continue karenge. समझ में आ रहा है? अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे हम ये प्रॉफिट्स कितने साल कमाएंगे, सपोज हम 2 इयर्स कमाते हैं, 3 इयर्स कमाते हैं, 5 इयर्स कमाते हैं, 10 इयर्स कमाते हैं, एज द केस में भी, दैट विल बी द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. ये हम कितने साल मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हम, राइट, जितने साल हम मेंटेन कर सकते हैं उतने साल हमारा क्या रहेगा, गुडविल रहेगा. सो नंबर ऑफ इयर्स परचेस इज, राइट, इज द नंबर ऑफ इयर्स over which it is expected that these profits will be earned by the business. This is one view. Second view is, suppose if I purchase an existing business, I will purchase their goodwill. Ab dhyan dena main kya bol raha hu. Obviously jo hum existing business purchase kar rahe, they have created their goodwill over a period of time. Yes, definitely. Ab unhone wo jo goodwill create kiya hai, try to understand, right, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा टू अर्न दैट गुडविल. वो जो गुडविल के लिए बनाने के लिए, राइट, उनका नाम बनाने के लिए, राइट, दे हैव स्पेंड इयर्स, दे हैव वर्क वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत सारे त्याग किए होंगे, इतने सालों से दे आर पुटिंग द एफर्ट्स जो आज दिख रहे हैं उनके गुडविल के तौर पर. और क्या होगा जब हम उनका बिजनेस परचेस करेंगे, तो हमें रेडीमेड ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी. हमारे पास कस्टमर बेस रहेगा, हमारे पास प्रोडक्ट्स मार्केट में वेल अवेयर रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, तो हमारे पास बाकी एडवांटेजेस रहेंगे उनके नाम रिलेटेड, राइट, सप्लायर्स ऑलमोस्ट हमारे फिक्स रहेंगे. ये जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज हम एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेस कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि जो उन्होंने जो अर्लियर ईयर्स में स्ट्रगल की है, राइट, 4 इयर्स, 5 इयर्स, राइट, 6 इयर्स डाउन द लाइन, जो कुछ भी रहेगा, राइट, नॉट स्पेसिफिक कि 4 और 5 इयर्स, इट कैन बी एनीथिंग, जितने, राइट, उतने इयर्स, उतने स्ट्रगल इयर्स हमें नहीं लगेंगे, हम उतना एडवांस रहेंगे, हम डायरेक्टली आगे से स्टार्ट करेंगे. सो वन व्यू इज नंबर ऑफ इयर्स, राइट, दैट हैव बीन सेव्ड बिकॉज वी हैव परचेस एग्जिस्टिंग बिजनेस, राइट. नंबर ऑफ इयर्स परचेस को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे कितने साल सेव हुए, हमारे स्ट्रगल का कितना साल सेव हुआ, उतना, राइट, जब हम उनका बिजनेस परचेस करेंगे उतना हम उनको पे करेंगे. और वी विल यूज देयर एफर्ट्स, वी विल यूज देयर नेम, राइट, एंड हम आगे से स्टार्ट, राइट, हमारे जर्नी उतनी सेफ हो जाएगी. आई सिंपली मीन दिस इज अ सेकंड वे, सेकंड व्यू. फर्स्ट व्यू क्या था, मैंने बोला कि जो हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो हम कितने साल तक कंटिन्यू कर सकते, दिस इज वन व्यू. एंड सेकंड व्यू इज द नंबर ऑफ इयर्स सेव्ड बिकॉज वी हैव परचेस्ड एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. सो दिस, देयर कैन बी दिस टू व्यूज टू लुक एट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. सो नाउ, सो व्हाट इज गुडविल नाउ, राइट, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,18,000.
आई विल टेक नंबर ऑफ इयर्स परचेसर कितना लेना चाहिए जनरली दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन सपोज आई विल बी टेकिंग 3 इयर्स सो माय गुडविल अंडर दिस मेथड राइट कम्स टू 118,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू 354,000 रुपीज 354,000 सिंपल एवरेज मेथड is a method in which any business if earns even a small amount of the profit will have goodwill even aapka 1 rupaye ka bhi profit rahega you will be having goodwill like very nominal value of the goodwill means anyone who earns profit has goodwill under average profit method actually that is not the real scenario samajh mein aa raha hai